ये वाली मूर्ति को पूरा ऐसा कर दिया ना, पूरी मूर्ति को सीधा कर जी। सलाम और नमस्ते। यहाँ पे अभी हम आए हैं कोड़ंगी 5 नंबर पे, ये माता जी का मंदिर है। यहाँ पे कल कुछ शरपसद अनासर ने यहाँ पे मूर्तियों की बेहुर्मती की है, और हम हिंदू बिरादरी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, कोई भी हो, वो हर अपने मजहब का एहतराम करता है, और हम भी उसी तरह ही, हमारा भी अकीदा यही है कि हर मजहब का अपना अकीदा है। लेकिन ये जो कुछ शरपसंद अनासर ऐसी हरकत करके हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान का नाम बदनाम करना चाहते हैं, उनकी हम कोशिशें नाकाम बना देंगे। हम हिंदू बिरादरी, हम यहाँ पे सेफ हैं, हमें सारे हुकूक मिलते हैं। इस वक्त ही हमारे साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी साथ है, हमारे साथ मौजूद अब्बासी साहब, कुरैशी साहब, ये जो यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है वो भी हमारे साथ है, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी है, पुलिस के SHO साहब भी हमारे साथ है। तो सारी इंक्वायरी हो रही है, सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, FIR भी काटी है, और अनकरीब इन कल्पट को हम उम्मीद है अपने कानूनदान से, हमारे पुलिस से, कि वो उनको अरेस्ट करेंगे। लेकिन हमारा मैसेज यही है कि ये मंदिर नहीं तोड़ा है, ये हमारे दिल टूटे हैं। मंदिर बन जाएगा, कल्प्रट अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो गांव है वो कभी बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन ये गांव सिर्फ हमारे दिलों के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए है। हम जो इंडिया में जो मोदी सरकार ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी में जो अल्फाज बोले, हमने उस पर भी मजम्मत की है। हम अभी भी यहाँ पे मंदिर में बैठ के भी हम उस पर मजम्मत करते हैं, हमारी पूरी हिंदू बिरादरी ने उस पर मजम्मत की है। हम डिमांड करते हैं इंडिया गवर्नमेंट से कि इन दो मिनिस्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि इन दो बड़े मुल्कों के जो अमन है उनका खराब ना हो, क्योंकि हम भाईचारे के साथ कम्युनिटी साथ में रहते हैं, उनको साथ में और अमन परस्ती से रहना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।